आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका असर न सिर्फ अतीत पर हुआ बल्कि आज भी उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। यह कहानी है इसराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच के गहरे और जटिल रिश्तों की, जो कई दशकों से संघर्ष, युद्ध और शांति की कोशिश से भरी रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से देश इसराइल के आसपास के इतने बड़े बड़े देशों के साथ लगातार टकराव क्यों होते रहते हैं? क्यों एक तरफ धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दावे हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की आग में झुलसते निर्दोष नागरिक? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन संघर्षों की जड़ें कितनी पुरानी है और ये कैसे हर गुजरते साल के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। क्या कभी शांति की राह निकलेगी या ये संघर्ष चलता रहेगा हमेशा के लिए? नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। चैप्टर एक, इसराइल की स्थापना, एक ऐतिहासिक सफर। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले की ऐतिहासिक भूमि से, जिसे आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है प्राचीन काल में यह भूमि यहूदी लोगों की मातृभूमि थी। यहूदी धर्म और संस्कृति की जड़ें यहीं पर थी, लेकिन समय के साथ युद्धों, विदेशी आक्रमणों और गुलामी के कारण यहूदी लोग इस भूमि से विस्थापित हो गए। रोम के साम्राज्य ने यहूदियों को उनकी भूमि से निकाल दिया और वे दुनिया भर में बिखर गए। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में यहूदी विरोधी भावना और हिंसा बढ़ने लगी थी। यहूदियों को कई जगहों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यहूदी पुनर्जागरण का एक नया विचार सामने आया, जियोनिज्म। जियोनिज्म यहूदी लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग थी, जहां वे सुरक्षित और स्वतंत्र रह सके। 1896 में थियोडोर हर्जल, जो इस विचार के प्रणेता थे, ने दुनिया भर के यहूदियों को संगठित करने की शुरुआत की और यहूदियों को मातृभूमि में वापस लौटने का विचार पेश किया। इसका उद्देश्य एक यहूदी राज्य की स्थापना करना था जो उनकी ऐतिहासिक भूमि पैलेस्टाइन में हो। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और इसके परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक समीकरण बदल गए। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बालफर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम की स्थापना का समर्थन किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने यहूदियों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाई। युद्ध के बाद यहूदी लोग बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन में आने लगे। उन्होंने नए शहर, खेत और संस्थान बनाना शुरू किया, लेकिन इस बीच वहाँ पहले से रह रहे अरब लोग इस यहूदी के आगमन से नाखुश थे और तनाव बढ़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने तो यहूदी लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नाजी जर्मनी के शासन में हॉलोकॉस्ट में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया। इस भयानक त्रासदी ने यहूदियों को एक स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता को और भी मजबूत कर दिया। हॉलोकॉस्ट के बाद बचे हुए यहूदी पैलेस्टाइन की ओर पलायन करने लगे। दुनिया भर में यहूदियों के प्रति सहानुभूति बढ़ी और एक राज्य की स्थापना की मांग ने जोर पकड़ लिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में विभाजित किया जाना था, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यह प्रस्ताव यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब के लोगों को ये नागवार गुजरा। इसके बाद पैलेस्टाइन में हिंसा भड़क उठी। यहूदी और अरबों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, लेकिन यहूदियों ने अपने सपनों के राज्य की स्थापना की तैयारी जारी रखी। आखिरकार 14 मई 1948 को डेविड वैन गुरियन ने इसराइल के स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब यहूदी लोगों का हजारों साल पुराना सपना साकार हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया। 1948-49 का पहला अरब इसराइल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इसराइल ने अपनी रक्षा की और अपने नए राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया। इस युद्ध ने इसराइल की स्थिरता की नींव रखी, लेकिन यह क्षेत्रीय टकराव की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। स्वतंत्रता के बाद इसराइल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लाखों यहूदी प्रवासियों को बसाना, आर्थिक संकट और निरंतर युद्ध की स्थिति के बावजूद इसराइल ने खुद को एक मजबूत और स्थिर देश के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि इसराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच कई बार शांति की कोशिशें हुई, लेकिन अस्थायी समाधान अब तक नहीं मिल सका है। आज भी यह क्षेत्र संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। इसराइल की स्थापना की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाओं ने आज के विश्व को आकार दिया और कैसे भविष्य के लिए हमें इससे सीखने की जरूरत है। तो
दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। इसे हम पूरे 8 सेगमेंट में पूरा करेंगे। वैसे तो मैं कहानी को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि या कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जिक्र जरूर करेंगे। अगले एपिसोड में हम अरब इजराइल युद्ध पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।